देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जिस प्रकार से विभागों की कसावट कर रहे हैं, प्रतिदिन जो है समीक्षा बैठकें करते हैं, और इस समीक्षा बैठक के अंतर्गत एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्रम विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, और इसके साथ ही एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जो एमबीबीएस की पढ़ाई को अब हिंदी में डाइवर्ट किया जा रहा है, हिंदी में पढ़ाने को लेकर जो है क्या कुछ प्रोसेस, क्योंकि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल पहले की थी, और अब क्या कुछ अभी तक उच्च शिक्षा विभाग ने इसका फॉर्मेट तैयार किया, इस कार्य योजना पर कार्य किया है, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 5:30 बजे लगातार जो है बैठक का सिलसिला जारी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का आज इंदौर दौरा कार्यक्रम है, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम को भोपाल पहुंचेंगे, और श्रम विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य विभाग बुधनी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसको लेकर जो है समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो इस यात्रा की तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है, और पूरे देश में ये यात्रा निकाली जाएगी। मध्यप्रदेश में तकरीबन 16 दिन ये यात्रा रहेगी, 3500 किलोमीटर की यात्रा, और इसके साथ ही अब AICC ने एक आदेश भी जारी किया है सभी PCC कार्यालय को कि अब अगर मध्यप्रदेश में देखा जाए तो हर जिले, हर ग्रामीण क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता निकालते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि यहां पर अब 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से जुट चुकी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्यप्रदेश के मौसम की, तो एक बार फिर से मौसम ने अलर्ट जारी किया, और इस अलर्ट के साथ आज जरूर राजधानी भोपाल में बादल साफ है, सुबह से ही धूप देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर से राजधानी भोपाल सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।